ए छोटू चाय ला, ए छोटू सफाई कर यहाँ पे, ए छोटू बच्चों को बाहर ले जा। हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं एक गंध के सपोर्ट में उतरी दूसरी गंध। सबसे पहले हम आपको बता दें कि निधि के सपोर्ट में उसकी बहुत प्यारी बड़ी बहन जो है टुच्ची उतरी। तो जब मैदान में उतरी तो उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट दिया। वो कुछ भी कर रही है बच्चे पालने के लिए, वो हर चीज़ को कंटेंट बना लेती है, वो ये कर लेती है, वो कर लेती है। तो अब हम आपको कुछ बैक में ले जाते हैं, हिस्ट्री पे ले जाते हैं। ये वही टुच्ची है ना जो मरे हुए माँ बाप को नहीं छोड़ी, उसको भी यहाँ पे ट्रोल करी अपने चैनल पे आके कि वो ज़्यादा प्यार बड़ी वाली को करते थे, उसको बिगाड़ के रख दिया था, उसको ये कर दिया था। अपने ससुराल को नहीं छोड़ी, उसको भी अपने यूट्यूब चैनल पे आके धज्जियाँ उड़ाई कि वो ससुर कौन देखते थे, तो ऐसा देखते थे, मुझे डर लगता है घर में, क्या नहीं इसने बोला। अपने माँ बाप को किया, अपने भाई को जो इनका बीमार भाई था वो किया, सबको किया। फिर नर छोटू को जिस हिसाब से रखती हैं, जिस हिसाब से ट्रीट करती हैं और जिस हिसाब से धज्जियाँ अपने पति की भी उड़ाई हैं, वो आप लोगों ने आज से पुराने वीडियोस पे देखा होगा। मैं इस पे कम रोस्ट वीडियो लाती हूँ या रिएक्शन वीडियो लाती हूँ, मैं इतना नहीं समझती हूँ, नहीं उसको देखना ही पसंद नहीं करती हूँ, तो जैसे मैं नहीं देखती हूँ इस वजह से, तो मैं इस पे कोई रिएक्शन वीडियो भी नहीं लाती हूँ। अब जब गंध ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे निधि का गंध ज़्यादा बढ़ा, भाई बाप सेम कहते ना, एक वो भी गधी है कि अभी गधी तो एक दूसरे के सपोर्ट में तो आना ही आना है, आप लोग समझ जाइए, कैटेगरी सेम होती है। ये अपने पूरे ससुराल महके की धज्जियाँ यूट्यूब पे बैठ के उड़ाए, वो अपने पूरे महल्ले पति ससुराल सबकी धज्जियाँ यूट्यूब पे बैठ के उड़ाए। आस पड़ोस में कोई डेथ हो जाता है तो वहाँ पे भी जाके चिता की भी वीडियो बना के डाले, तो उसमें जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर दूसरा इस पर रिएक्शन दे दें तो वो रिएक्शन वाले बहुत ये होते हैं, उनको जाके परेशान करो, उनको जाके इतना सुनाओ, उनको जाके उतना सुनाओ, तो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है, किसी की औकात नहीं हुई कि रिएक्शन वालों को आके सुना दे। एक चैनल का जो आईना होता है ना, वो उसका कमेंट सेक्शन होता है। आप हम लोग का कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा, पॉजिटिविटी से भरपूर आके, पता नहीं जिनको हम लोग नहीं भी जानते होंगे ना वो भी आके दुआएं दे जाते हैं। ठीक, एक इन दोनों का, दोनों जो है ना सेम टू सेम, उन दोनों का जो है अपने कमेंट सेक्शन देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कौन कैसा है, कौन क्या है, कौन किस तरह की कैटेगरी का है। अच्छा, दोनों की चीज़ें भी सेम सेम है, कंटेंट भी सेम सेम है, नौटंकी करने में दोनों माहिर हैं, अपने पति। अच्छा, ये सब उड़ती किस पे है पता है आपको? यूट्यूब के पैसों पे, यूट्यूब के पैसों पे। आज यूट्यूब बंद हो जाए तो ये सब जो यहाँ पे आके करती है ना, वही सब ये ना रास्ते में करने लगे, क्योंकि यूट्यूब के पैसे के अलावा इनके पास कोई गुण नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि बाहर जाके ये 20,000 कमा सके। अभी 2023 बता रही थी ना, अभी अपने वीडियो इसी लाइव पे बता रही थी कि 2023 बहुत बुरा गया है, हस्बैंड की नौकरी नहीं थी, तो इन्होंने ही आके सोशल मीडिया पे बताया, इन्होंने अपने चैनल के बताया कि उनका पति काम नहीं करता है, नल्ला है, नल्ला शब्द भी बोला, नल्ला है, इन्हीं के वाईटी के पैसों पे पलता है, और डिवोर्स का ड्रामा, हर ड्रामा इन्होंने करके देख लिया। सेम टू सेम इनका घर बार है, सेम टू सेम इनके रहन सहन है, सेम टू सेम इनका निधि का जो है, हमें लगता है बच्चे के जो बीमार हैं वो भी सेम टू सेम ही है, और काफ़ी चीज़ें इनकी सेम टू सेम है। इसीलिए जब बहुत चीज़ें सेम हो जाती है ना, तो फिर एक दूसरे की बहन की याद हो जाती है, आ जाती है। जैसे होता नहीं था पुरानी फिल्मों में कि मेले पे, कुंभ के मेले पे बिछड़े मतलब बिछड़ जाते थे दो, क्या कहते हैं उसको, जुड़वा बहनें बिछड़ जाती थी और फिर बड़ी होकर मिलती थी, वही ये लोग कुंभ के मेले में बिछड़े हुए हैं और बड़ी होकर यूट्यूब पे आके मिल गए हैं और एक दूसरे का सपोर्ट, गंध में सपोर्ट करने के लिए आके बैठ गए। निधि तो है ही वैश्रम, लखनीत के लिए सोची कि लखनीत को टैग करेंगे, लखन भैया मैं आपके साथ हूँ, फलाने दिमागे मैं आपके साथ हूँ, मेरे को टॉर्चर करके रख दिया है वो दीदी ने, क्या नाम, हाँ छुट्टी दीदी ने टॉर्चर करके दे दिया है, गिफ्ट मांग रही है, वो अपना डिफेम किया उनको, उन्हीं उन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना मान दिया, तेरे को कोई घर पे बुलाता नहीं है, और उन्होंने अपने घर पे बुलाया तुझे, वो किया, उसके बाद आके तूने उन्हीं को रिफंड किया, उन्हीं को उल्टा सीधा किया, तब उनका दिमाग भिनका, तब तक नहीं उनका दिमाग भिनका था। हाँ, हम उस बात की अभी भी वो कहते हैं कि बच्चों का खिलौना वापस मांगना ठीक नहीं है, इसको दिया सामान, इसको दिया खर्चा, वापस मांगो, जो चीज़ यूज हो चुकी है उसका पैसा मांगो, वो सही है। ठीक, दूसरी चीज़, आज अगर ये गलत में नाटक करके शायद बड़ा वाला क्रिएटर इसको भी सपोर्ट कर दे, तो हम आपको बता दें कि बड़ा वाला क्रिएटर की आंखें भी खुली हुई हैं, दिमाग भी खुला हुआ है, वो सपना का सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि सपना अच्छी है, सपना साफ सुथरी है,
सपना हर तरफ से साफ सुथरी है, घर बार ही नहीं उसकी पर्सनैलिटी से लेकर उसका जो बैकग्राउंड है हर चीज उसका साफ सुथरा है। वो अपनी धज्जियां अपने पूरे खानदान की धज्जियां नहीं उड़ाती, आज उस पर परेशानी आई है तब उसने मैं उखड़ा है, ठीक उसका सपोर्ट किया। तेरा सपोर्ट गंध का सपोर्ट करने कभी आएगा? वो कभी नहीं आएगा गंध का सपोर्ट करने, इस चीज का आप लोग लिख लीजिए। लेकिन गंध का सपोर्ट करने के लिए उत्तराखंड, गंध का सपोर्ट करने के लिए उतरी है टुच्ची मैडम, जो कि खुद उसी कैटेगरी की आती हैं, उसी कैटेगरी की सेम टू सेम कॉन्टेक्ट। अगर आप लोग देख लीजिए, एक इधर देख लीजिए पुराना एक नया, कुछ साल पहले इन्होंने जो नौटंकी मचाई थी कुछ साल बाद यही वो नौटंकी बचा रही है। इनके पास नर छोटू है जो कि इनके साथ साथ देता है, उसके पास नहीं है, वो दोनों मिला जुला के वही कर लेती है, अकेले ड्रामा करने में माहिर है। ड्रामा करके रो के अरे वो परेशान हो गई थी, क्या परेशान हो गई थी, उसको लुया लोहे की कढ़ाई भी थी बगल में लेकिन छन्नी ली और उसको अपने सर पे ऐसा ऐसा सा मारा और वीडियो लाइव करके बना लिया। उस कढ़ाई अगर उसको सही होशो हवास होता तो वो ऐसी हरकत ना करती, अगर उसको ड्रामा करना नहीं होता तो उस कंट्रोवर्सी करनी नहीं होती या उसके दिमाग में कुछ चल ना रहा होता तो ये चीज़ वो ना करती। लेकिन उसने किया और उसको ड्रामा और कंट्रोवर्सी करने का बहुत शौक है। सीधी बात अगर कोई ये कहता है बनर्जी उसके पीछे पड़ी है तो सीधे आँख खोल के अपने जो बटन वाली आंखें है ना बत्तख वाले मुंह से तो बगबग कर दिया, आप बटन वाली आंखें खोल के मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो पे जाके उसकी फोटो के समाध देख ले। मेरे चैनल पे उसकी खुद की परमिशन वीडियो मेरे नाम से पड़ी हुई है। बहुत लोगों ने हमको तब भी कहा था दीदी उसकी परमिशन की क्या जरूरत है, आप ऐसे रिएक्शन वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने भी कुछ सोच समझ के उसकी परमिशन वीडियो बनवाई थी जिसमें उसने मेरे नाम से बनर्जी को मैं परमिशन देती हूँ कि वो मेरे ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए, मेरी क्लिप यूज करे, मेरी फोटोज यूज करे थंबनेल पे, मेरी मतलब वीडियोज को यूज करे। इस चीज की परमिशन मैंने ले रखी थी और वीडियो बना के मैंने खुद डाल रखी थी। तो अपनी बटन जैसी आंखें खोल, मेरे चैनल पे आ और सर्च कर, थोड़ी मेहनत कर। मुंह से जो है बैठ के बकवास करना आसान होता है लेकिन रिसर्च करके या सर्च करके किसी चीज के लिए बोलना वो मुश्किल होता है। आरएनडी कर और उसके बाद जो है आ और मेरे चैनल पे देख, उसकी परमिशन वीडियो पड़ी हुई है, इसीलिए तूने इतना बका। वो तेरे पास दीदी 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 करके घुस गई लेकिन उसने एक बार ये नहीं कहा कि नहीं 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 बन्ना जी ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है और धमाके ने ये कहा है, क्योंकि परमिशन देके वही बैठी हुई है। अच्छा फिर इसका जो जूसर वाला बिजनेस है चिकनकारी का, 500-700 रुपए के कुर्ते मिलते हैं हमको पता है, तो उसको ही 1800-2200 में बेचती है। लेबर चार्ज लगता है, स्टाफ का चार्जेस लगता है, एसी का चार्जेस लगता है, पता नहीं कौन कौन से चार्जेस अपने उसी लाइव में ये गिना रही थी, सब झूठ है, कुछ नहीं लगता है। दो चार दुकानों के कार्ड्स हम अपने कम्युनिटी में दे देंगे, उनके फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके आप लोग मंगा लीजिएगा, होलसेल दुकानों के रेट्स में आपको मिल जाएंगे, ऊपर से जो शिपिंग पड़ता है वो दुकानदार भेजेगा, उतना शिपिंग आप लोग चार्ज करके अपना मंगा सकते हैं। तेरा ये बिजनेस भी बंद हो जाएगा। अब जैसे तू बोलती है ना कि तुझे पर्सनल अगर रिएक्शन चाहिए तो बता दे कि दीदी, क्योंकि तू बोलती है ना मुझे दीदी बोला करो, दीदी बोला करो, अगर बड़ी छोटी क्या है रेस्पेक्ट में दीदी बोला करो, तो किरण को रेस्पेक्ट में दीदी बोलती है, तो मैं भी बोल रही हूँ ना कि टुच्ची दी, अगर तुझे पर्सनल में रिएक्शन चाहिए तो बता दे कि हाँ मुझे रिएक्शन चाहिए, तो मैं तेरे पीछे भी पड़ जाऊंगी, मेरा तो काम है रिएक्शन देना, गलत बात पे आवाज उठाना मेरा ये काम है, मेरा ये प्रोफेशन है कि गलत बात पे आवाज उठाना। मैं वाईटी के पैसे के लिए यहाँ पे बैठी नहीं हूँ, मेरा घर वाईटी के पैसे पे नहीं चलता है। आज वाईटी बंद हो जाए तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने कुर्ते अपना मेकअप अपना सामान उठाऊंगी, अपनी वीडियो बना के घर पे पोस्ट करूंगी। यूट्यूब मेरे लिए, यूट्यूब के भावनाओं से नहीं बैठी हूँ कि आज यूट्यूब बैठ गया तो मैं सड़क पे आ जाऊंगी। तेरा नार छोटू नल्ला होगा, तेरी कमाता होगा, तू वाईटी के पैसों से खाना खा रही होगी, हमारा जो है नल्ला नहीं बैठा है कि वाईटी के पैसे के लिए मैं बैठी हुई हूँ। तो सोच समझ के मेरा नाम किसी भी चैनल पे ले लेना, रिएक्शन चाहिए तो मुंह खोल के बोलना कि रिएक्शन चाहिए, नहीं चाहिए तो दफा हो जा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्या मेरे चैनल पे आपको इनसे रिलेटेड ज्यादा वीडियोस दिखी, एक आध दिखी होंगी तो दिखी होंगी, वैसे मैं नहीं देती हूँ, जिन पे रिएक्शन देना होता है मैं उनको उन पे देती हूँ, जिन पे नहीं देना होता उनकी तरफ झांकने नहीं जाती। बनर्जी, वो बनर्जी जो उसके पीछे लगातार पड़ी हुई है। चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, चार्जर लगाना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आती हूँ। मैं निधि की दुनिया चैनल से आई हूँ और बनर्जी मंत्रा जी के लिए शोरनी बच्चों, शोरनी।
मैं बैनर्जी मंत्रा जी के चैनल के लिए ये बोलना चाहूंगी कि देखिए वो मेरे लिए अगर कुछ भी रिएक्शन वीडियोस देते हैं तो यहाँ पर एज अ यूट्यूबर मैं वीडियोस डालती हूँ, अपनी लाइफ आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर मेरी वीडियोस के थ्रू अगर कोई मतलब मेरी रिएक्शन देता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी रिएक्शन चैनल की बात बुरी लगेगी तो मेरे पास भी सोशल मीडिया हैंडल है, मैं वहां से जवाब दूंगी। और देखो जानबूझ के अब ज्यादा शोर कर रहे हैं, इनको बोल दिया ना चुप हो जाओ, अब जानबूझ के चिल्लाएंगे। तो बस मैं इतना बोलूंगी कि हाँ मेरा नाम लेके रिएक्शन दे दीजिए, मैं सब रिएक्शन चैनल वालों को बोलूंगी निधि नाम से रिएक्शन दीजिए। मैं कभी भी किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लेती हूँ, चाहे मेरी वीडियोस उठा लीजिए, चाहे मेरी क्लिप्स उठा लीजिए, चाहे मेरी फोटो डाल लीजिए थंबनेल टाइटल में, चाहे मेरी शॉर्ट वीडियोस उठा के डाल लीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और कोई एक्शन कभी फ्यूचर में नहीं लिया जाएगा।